मंच पर विराजमान पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विजय सांपला जी, उपमुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरी साथी हरसिमरत जी, जत्थेदार तोता सिंह जी, श्री अविनाश राय खन्ना जी, श्री मंत्र सिंह बरार जी, श्रीमान स्वरूप सिंह सिंगला जी, श्रीमान एचआर कलेर जी, श्रीमान तीरथ सिंह महाला जी, परमभव सिंह बंटी श्रोमाना जी, पूर्व सांसद बीबी गुरुचरण कौर जी, फरीदकोट के भाजपा के अध्यक्षा श्रीमती सुनीता जी, मोगा से उम्मीदवार सरदार बरजिंदर सिंह जी, सरदार कमरजीत सिंह जी, सरदार चरणजीत सिंह जी, सरदार सुभाष सिंह जी और विशाल संख्या में पधारे हुए पंजाब के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चार तारीख को आप सब पंजाब के भाग्य का फैसला करने वाले, लेकिन मेरे पंजाब के भाइयों बहनों, जब आप पंजाब में सरकार चुनते हैं तब सिर्फ पंजाब के लोगों के भाग्य के लिए नहीं चुनते, पंजाब में जब सरकार चुनी जाती है तो उसके साथ हिंदुस्तान का भी भाग्य जुड़ा हुआ होता है। ये सरहदी राज्य है, पाकिस्तान पंजाब की धरती का उपयोग हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए मौके की तलाश में रहता है, और अगर यहां सरकार ढीली ढाली आ जाए, सरकार बाहरी लोगों की आ जाए, सरकार ऐशो आराम करने वालों की आ जाए, तो सिर्फ पंजाब के लोगों का नुकसान होगा ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान को एक संकट का दौर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा को कोई चोट न पहुंचे, इसलिए भी पंजाब में ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार देश की सुरक्षा की भी गारंटी हो। भाइयों बहनों, अभी मैं हरसिमरत जी को सुन रहा था, वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही थी कि बादल साहब जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए न जाने कैसी कैसी भाषा बोली जाती है। भाइयों बहनों, मैं सार्वजनिक जीवन में कई वर्षों से हूं, मैंने अनेक दलों के राजनेता देखे हैं, अनेक दल के राजनेताओं को सुनने का मुझे अवसर भी मिला है। मेरे इतने जीवन के कालकाल में दो नेता जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे
सरदार प्रकाश सिंह बादल, ये दो ऐसे नेता कि जिनके मुंह से कभी भी हल्का शब्द नहीं निकलता था। किसी की आलोचना करनी है, कितना ही छोटा व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन ये दो नेताओं का उनके मुंह से कभी भी कटुता प्रकट नहीं हुई है। भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में बोलचाल कैसी हो, भाषण कैसी हो, ये अगर सीखना है तो अटल बिहारी वाजपेयी से सीखने को मिलता है, प्रकाश सिंह जी बादल से सीखने को मिलता है। लेकिन भाइयों बहनों, जब बादल साहब के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, किया जा रहा, दुख पहुंचना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं हरसिमरत जी से कहना चाहता हूं, सुखबीर जी से कहना चाहता हूं, आप ऐसे लोगों से अपेक्षा क्यों करते हो? जो लोग किसी के लिए भी कुछ भी बोलने के आदि हो गए, जिन्होंने अन्ना हजारे के साथ ऐसा किया, वो बादल साहब के साथ न्याय करेंगे, ऐसी आप आशा करते हैं ऐसे लोगों से? मैं हैरान हूं, हम भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, हम ये कहते थे कि हम फलानी बात की जांच करवाएंगे, दोषियों को कानून के दायरे में लाएंगे और कानून दोषियों को छोड़े नहीं, इतनी बारीकाई से सच्चाई को ला करके रहेंगे। हम कभी ये नहीं कहते फलाने को जेल में भर देंगे, डिगने को जेल में भर देंगे। अरे देश ने हमें ये सत्ता नहीं दी है, देश ने हमें सत्ता दी है कानून का पालन करने की। लेकिन आजकल भाषा बोली जा रही है, हम आकर के इसको, वो शीला दीक्षित को भी जेल में भरने वाले थे, अभी शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री घोषित हो गई उम्मीदवार। अब बताइए, हम कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब का जो अपमान हुआ है, मामला सरकार ने सीबीआई को दिया है, सीबीआई पूरी गहराई से जांच करेगी। और मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको जेल में डाल दूंगा, मैं ये कहता हूं कि सीबीआई बारीकाई से जांच करेगी, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने वालों को खोज के निकालेगी, कानून के हवाले करेगी और न्याय तंत्र न्याय करेगा और गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने वालों को सजा मिलेगी। श्री अकाल, हर चीज कानून से चलती है, लेकिन ये डिक्टेटोरियल भाषा है, डिक्टेटर की भाषा है, फलाने को जेल में ठोक देंगे, डिगने को यह कर देंगे, क्या लोकतंत्र इस प्रकार से चलता है? भाइयों बहनों, मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाएं टूट जाएगी तो देश का बहुत नुकसान होने वाला है और उसको संभाल के रखना यह हम सबका दायित्व है। भाइयों बहनों, अभी मैं गोवा गया था, गोवा के अखबार में मैंने एक चीज पढ़ी, कुछ लोगों को जब पता चल जाता है
कि पराजय सामने दिख रहा है तो अभी से माहौल बनाने में लग जाते हैं, तरीके ढूंढते हैं। गोवा में क्या भाषण किया, अखबारों को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा ये इलेक्शन कमीशन जो है मोदी नचाता है वैसे नाचता है। अब बताओ भाई, हिंदुस्तान में कोई इलेक्शन कमीशन पर झूठे आरोप नहीं लगाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी बेकार। और गुना क्या इलेक्शन कमीशन का, उसका गुना यह है कि पंजाब और गोवा के चुनाव की एक ही तारीख क्यों तय की। दूसरी शिकायत है पंजाब और गोवा के चुनाव सबसे पहले क्यों करवाए। तीसरी उनकी शिकायत है कि एक ही समय पंजाब और गोवा के चुनाव इसलिए करवाए गए कि हमारा दल चुनाव में हार जाए। भाई हारना के लिए तारीख कारण नहीं है, हारना का कारण तो दिल्ली के आपके कारनामे है, जिस कारनामों के कारण आपका हारना तय है। भाइयों बहनों, ये जो तरीका है, ये तरीका कभी देश में लोकतंत्र का भला नहीं कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं कि चुनाव में पंजाब के भविष्य को फिर एक बार उस अंधेरी गली में घसीटने वालों से पंजाब को बचाइए। भाइयों बहनों, मैं ये भी बात पंजाब के लोगों को याद कराना चाहता हूं, सत्ता पाने के गुरूर में इसी पंजाब में भाइयों बहनों, जब आतंकवाद के दिन थे, कुछ लोग आतंकवादी हरकतें करके इस पंजाब की धरती, जो हरी भरी धरती थी, उसको खून से रंगने का प्रयास किया था। उस समय ये कांग्रेस पार्टी, उसके नेता सारी दुनिया में घूम जा जा करके पंजाब के हर नौजवान को आतंकवादी कह दिया था। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई सरदार नजर आए तो उसको वो सरदार देश के लिए जीने मरने वाला भगत सिंह का वंश नहीं नजर आता था, उसको लगता था कहीं ये आतंकवादी तो नहीं होगा। ट्रेन के डिब्बे में कोई सरदार मिल जाए तो बाकी पैसेंजर एक दूसरे के साथ छुकबुकाहट करते हैं, पता नहीं ये कौन होगा। ये हर पंजाबी को, हर सरदार को, हर पंजाब के नौजवान को आतंकवादी पेंट करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने करके देश में हमारे दूध में दरार करने का प्रयास इन कांग्रेस वालों ने किया था। भाई दूध में कभी दरार नहीं हो सकती है, लेकिन ये पाप उन लोगों ने किया था। आज दूसरे आए हैं, उन्होंने पंजाब के हर नौजवान को नशेड़ी कह दिया। कल्पना नहीं है, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति जब पंजाब का नौजवान मिलेगा, नौकरी के लिए आया होगा, व्यापार के लिए आया होगा, तो उसको लगेगा कहीं ये नशेड़ी तो नहीं होगा। कितना नुकसान पंजाब का इस भाषा ने किया है। अरे राजनीति अपनी जगह पे है, पंजाब के नौजवानों का भविष्य तो बर्बाद करना मत करो, वो पाप तो मत करो, लेकिन ये पाप इन लोगों ने किया है। भाइयों, समाज में नशे के खिलाफ मिलजुल करके लड़ना होगा, सामाजिक बुराई के खिलाफ
हर किसी को एकजुट होना होगा, लेकिन हर जवान को, हर नौजवान को नशेड़ी कह करके हम देश के नौजवानों को बचा नहीं सकते। भाइयों बहनों, आजादी के बाद हमारे देश में महात्मा गांधी को जब भी याद करते हैं, महात्मा गांधी हमेशा कहते थे हिंदुस्तान गांवों का देश है, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, कृषि हमारी आत्मा है, खेती हमारी जिंदगी है, खेती हमारी आर्थिक उन्नति है। लेकिन भाइयों बहनों, आजादी के बाद जितने नेता हो गए, मैं कह सकता हूं इस देश ने तीन नेता देखे जिन नेताओं का जीवन, जिन नेताओं का जहन किसानी से भरा हुआ था। एक चौधरी चरण सिंह, दूसरे चौधरी देवीलाल और तीसरे प्रकाश सिंह बादल। ये देश ने सच्चे अर्थ में खेत से निकला हुआ, खलिहान से निकला हुआ, किसान की जिंदगी जीने वाला अगर देश ने तीन नेता देखे तो तीसरे नेता है और आज सिर्फ एक ही देश में मौजूद है, वो सरदार प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल ये सिर्फ पंजाब के किसानों के नेता नहीं, वो हिंदुस्तान के किसानों के नेता है। हिंदुस्तान के किसान का भला कैसे हो, इस सोच के इंसान है। मैंने देखा है, मैं भी मुख्यमंत्री था, बादल साहब भी मुख्यमंत्री थे, हम लगातार भारत सरकार जो मीटिंग बुलाती थी तो हम बैठते थे। जब मैं गुजरात से आता था तो मुझे लगता था कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, सरदार प्रधानमंत्री है, तो ये प्रकाश सिंह बादल साहब को तो बल्ले बल्ले होगा, उनको तो जो चाहिए मिल जाता होगा। लेकिन जब मीटिंग होती थी और बादल साहब जब पंजाब का ब्यौरा देते थे, इतनी पीड़ा होती थी कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने बादल साहब को 10 साल यहां जनता ने मौका दिया, 8 साल तक दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार ने बादल साहब को हर काम में रोड़े अटकाए, रुकावटें डाली, कोई काम करने नहीं दिया। उसके बावजूद भी बादल साहब ने मीटिंग में कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, विवेक नहीं तोड़ा, अपनी बात बताते थे, किसानों की बात बताते थे। लेकिन ये कांग्रेस सरकार बादल साहब की 8 साल तक कोई बात सुनती नहीं थी। आज दिल्ली में वो सरकार बैठी है, बादल साहब की साथी सरकार है। 2 साल में हमने वो काम किए हैं, वो मदद की है, पंजाब के सारे पुराने मसले हमने सुलझा दिए और बादल साहब पंजाब की प्रगति के लिए जो चाहते थे हमने रास्ते खोल दिए। अगर यही बात शुरू से हमारी सरकार होती तो आप पंजाब कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन 8 साल तक कांग्रेस सरकार ने रुकावटें डाली और उसका परिणाम यह हुआ कि बादल साहब को काम नहीं करने दिया गया। 2 साल में भरपूर काम करने का अवसर मिला है और आपको दिखाई देता है, विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बादल साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज भी हर पल मेरा पंजाब, मेरा किसान, मेरे पंजाब का नौजवान, उसका भला कैसे हो, नई नई चीजें सोचते रहना,
नई चीजें करते रहना, ये बादल साहब की शख्सियत का परिणाम है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में पंजाब को बर्बाद करना, पंजाब का कुछ भी हो जाए, हमारी दुनिया खड़ी हो जाए, ये सपने लेकर के जो लोग चल रहे हैं, उनको जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस दिल्ली भेज दो। और उनको कहो कि वहां की पहले जिम्मेवारी पूरी करो, जनता को जो वादे किए थे वो पूरा करो। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार आपने बिठाई है, जो काम आपने मुझे दिया है, मेरा सपना है हिंदुस्तान के किसानों को 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हम 2022 तक में हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं। जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो काम 7 साल में पूरा करने का बीड़ा उठाया है। और भाइयों बहनों, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सफलता प्राप्त करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने ऐसे नए इनिशिएटिव लिए हैं, हमने ऐसे नए निर्णय किए हैं, ऐसी नई योजना बनाई है कि जिसके कारण किसान का भाग्य सुनिश्चित होगा और किसान अपनी आय दोगुना कर पाएगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अगर किसान को पानी मिले तो मेरा पंजाब का किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर देता है, वो पानी से भी ज्यादा अपना पसीना बहाता है, वो अपने सपने अपने खेत की मिट्टी में मिला मिला करके हिंदुस्तान के सपनों को सजाता है। ये मेरे पंजाब का किसान है, हिंदुस्तान का पेट भरता है, वो मेरा पंजाब का किसान है। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई है, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके हर खेत को पानी मिले उस दिशा में बीड़ा उठाया है, 90 ऐसी योजनाएं उसको हाथ में लिया है, लाखों हेक्टेयर भूमि को तुरंत पानी पहुंचे इसके लिए चारों तरफ देश में काम चल रहा है। पंजाब में पानी की नहरें बहुत पुरानी हो गई, अगर उन नहरों का मरम्मत ठीक हो जाए तो पानी जो आखिर तक पहुंचता नहीं है उसको उठाने के लिए बादल साहब पूरी ताकत से लगे हैं, दिल्ली सरकार पूरी मदद कर रही है, पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। हमने एक पूरे देश में अभियान चलाया है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से ज्यादा फसल कैसे मिले इसका बीड़ा उठाया है। और इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, टपक सिंचाई, बूंद बूंद पानी से खेती, इसका एक बड़ा अभियान। और मुझे खुशी है इतने कम समय में 15 लाख हेक्टेयर करीब करीब धरती आज माइक्रो इरिगेशन की ओर कवर हुई है। अगर पंजाब में भी हम ये माइक्रो इरिगेशन को लागू कर पाए, जितने ज्यादा किसानों को लेकर आए, हम पानी भी बचाएंगे, मजदूरी भी बचाएंगे, ज्यादा फसल होगी, अच्छी फसल होगी, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज भारत सरकार पंजाब के किसानों की पैदावार को दाम जो मोह बाजार में चलते हैं उससे ज्यादा दे करके उस फसल की खरीदी करती है, ताकि कभी किसान को परेशानी के दिन ना आए। भाइयों बहनों, हमने एक और निर्णय किया है कि हमारा किसान जो धान पैदा करता है
उसके बाद जो वेस्ट रहता है, जो जला देता है, हमने उसमें से इथेनॉल बनाने के कारखाने पंजाब की धरती पर लगाने वाले हैं। जो आज जला देते हैं आप, उसमें से इथेनॉल निकालेंगे और किसान को उसमें से भी इनकम होगी। एक एक हेक्टर पर 2000, 5000, 10000, 15000 तक इनकम हो सकती है। ये नई इनकम किसान की बढ़ाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और देश की ऊर्जा की आवश्यकता को भी हम पूरा कर रहे हैं। हम किसान को वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, उसके लिए बल देना चाहते हैं। किसान जो पैदा करता है, उसका अगर वैल्यू एडिशन होता है तो उसकी इनकम बढ़ती है। अगर वो टमाटर पैदा करता है लेकिन टमाटर का कैचअप बिकता है, ज्यादा कमाई होती है। वो दूध पैदा करता है लेकिन अगर दूध में से मिठाई बना करके बिकती है, मक्खन या चीज बना करके बिकती है, तो ज्यादा पैसा मिलता है। हम फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, उस पर ज्यादा बल दे रहे हैं ताकि हमारे किसान को उसकी ज्यादा इनकम मिले, ज्यादा कमाई हो, दुनिया के बाजार में कमाई हो। भारत सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस पर बल दे रही है। आज दुनिया में जो माल यहां 1 रुपये में बिकता है, वो अगर ऑर्गेनिक है तो दुनिया में 1 डॉलर में बिकता है। कितना गुना इनकम हो सकती है किसान को। हमारे देश में एक राज्य सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया है। भाइयों बहनों, पंजाब भी इस स्पर्धा में आ सकता है। हम पूरे देश में ऑर्गेनिक सर्टिफाई करने के लिए लैब खड़ी करना चाहते हैं और जो भी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाना चाहता है, उसको मदद करना चाहते हैं और उस ऑर्गेनिक खेती से पैदावार जो हो, उससे उसको 1 रुपये के सामने 1 डॉलर की कमाई हो, ये दिशा में हम ले जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमने किसान को प्राकृतिक आपदा से जूझता हुआ देखा है। ओले गिर जाए, वर्षा आ जाए, बीमारी आ जाए, किसान की मेहनत पानी में जाती है। हमने किसान को ऐसा फसल बीमा योजना दिया है कि इन सारे संकटों की उससे रक्षा करता है। और पहले कोई संकट आ जाए तो 50% से ज्यादा हो तब सरकार देखती थी। हमने नियम बदल दिया, अगर नुकसानी 30% भी हो गई तो भी सरकार उसको नुकसान मानेगी और किसान को भुगतान करेगी। फैसला इतना बड़ा हमने किया है। फसल बीमा योजना के द्वारा किसान को खेत में खड़ी फसल हो, काट करके रखी हुई फसल हो, बाजार जाने की तैयारी हो, अगर कोई पानी गिर गया और खराब हो गई तो उसके पैसे भी देने का काम फसल बीमा योजना में किया। कभी मानो पानी नहीं आया, बरसात नहीं गिरी, जून महीने में बोना है नहीं हो पाया, जुलाई महीने में बोना है नहीं हो पाया, अगस्त महीने में बोना है नहीं पाया, किसान एक दाना भी नहीं बो पाया, तो भी फसल बीमा योजना से उसका पिछले साल का हिसाब दे करके पैसे देने का प्रबंध फसल बीमा योजना में किया। कोई सोच सकता है इस देश में किसानों के लिए ऐसी फसल योजना हो सकती है? ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की सरकार ऐसी है कि जिसने किसानों को केंद्र में रखते हुए योजनाओं को बनाने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, ये योजना किसानों की भलाई के लिए है। हम चाहते हैं दूध उत्पादन में भी हमारा पंजाब का किसान पशुपालन के काम में भी आगे आए। आज हमारी गाय या भैंस जो दूध देती है, उसको अगर सही परवरिश हो, वैज्ञानिक परवरिश हो, आरोग्य की चिंता की जाए, व्यवस्था की जाए, तो वो डबल डबल दूध दे सकती है। हमारे पशु कम भी हो, ज्यादा दूध की पैदावार संभव है
उस दिशा में वैज्ञानिक तरीके से काम करने की दिशा में सरकार काम करे। फिशरीज हो, पोल्ट्री फार्म हो, ये भी एक प्रकार से कृषि के क्षेत्र को मदद करने वाला कारोबार है, उसको भी हम हनी। पंजाब में कुछ किसान हैं जो शहद के काम में लग गए हैं, हम हर खेत में हनी के काम को पहुंचाना चाहते हैं। मधु शहद पूरे दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है, अगर सच्चा और पक्का हनी अगर दुनिया को हम दे सकते हैं तो दुनिया हिंदुस्तान का हनी खरीदने के लिए, शहद खरीदने के लिए लालायित है, हमारे किसान की जेब भर जाएगी, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, किसान के जिंदगी को बदलना एक वैज्ञानिक तरीका, हमने आज पूरे देश में एक कॉमन मार्केट का बीड़ा उठाया, इनाम नाम की योजना लगाई है। कोई भी किसान मोबाइल फोन पर तय कर सकता है किस बाजार में ज्यादा दाम है, वो मोबाइल फोन पर अपना माल बेच सकता है और वो कमाई कर सकता है। जहां सबसे ज्यादा दाम मिलेगा वहां किसान माल बेचने के लिए उसको माहौल मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किसान को इनाम नाम की मार्केटिंग की सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम कृषि को आधुनिक बनाना चाहते हैं, हम कृषि को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, हम कृषि में टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, हम कृषि से रोजगार के नए अवसर पैदा करना चाहते हैं, हम कृषि से किसान की आय दोगुना करना चाहते हैं, हम गांव के जीवन को बदलना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, प्रकाश सिंह बादल आज जितने नेता पंजाब में दिखाई देते हैं, कोई कह सकता है कि कांग्रेस का कोई नेता है जो इसको किसान नेता कहेंगे, और छोटे मोटे लोग जो खड़े हो गए उनमें भी कोई किसान है, एक अकेला अकाली दल है, एक अकेला अकाली दल है जो किसानों का दल है, जो किसानों के लिए काम करने वाला दल है। और इसलिए मैं भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का पेट भरने वाला किसान, पंजाब का किसान सुरक्षित रहे तो वही रख सकते हैं जो खुद किसानी से जुड़े हुए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ बादल साहब है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि 4 तारीख को चुनाव है, बहुत बड़ी मात्रा में मतदान करके फिर एक बार इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनाइए, बादल साहब को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए, किसानों का भाग्य बदलने का, दिल्ली सरकार का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए बादल साहब को ताकत मिलनी चाहिए। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आने वाली 4 फरवरी नू तकड़ी ते कमल दा बटन नपके अकाली भाजपा नू एक बार फिर सेवा दा मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेंद्र भाई।